मुरैना जिले के ग्राम रामपुर कला नल जल योजना में लापरवाही का मामला सामने है। यहां दो साल से पानी की टंकी का निर्माण सहित पाइपलाइन बिछाई जा रही है, लेकिन अब तक ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिला है। प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल योजना के अंतर्गत लगभग 5 करोड़ की राशि से टंकी निर्माण का कार्य रामपुर कला में प्रगति पर है। टंकी के निर्माण का कार्य शिवा कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन निर्माण कार्य के 2 साल बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के घर तक पानी नहीं पहुंचा है। वहीं पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़क को ठेकेदार द्वारा बिना मरम्मत किए छोड़ दिया, जिससे ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। समस्या ये आ रही है कि 2 साल हो गए इस गली को खुदे हुए, न तो पानी आया न कुछ हुआ इसका, न इसकी सीमेंटेड हुई। बरसात में इतने परेशानी आती है कि जिसकी कोई हद नहीं है। सिवा कंस्ट्रक्शन द्वारा काम किया गया है इसमें। आपने इसकी वरिष्ठ अधिकारियों को भी शिकायत की? 25 बार कर चुके हम इसकी शिकायत हमारी बंद कर दी जाती है। 181 पे कई बार कर ली, कई हर बार बंद कर दी जाती है। अधिकारी द्वारा संशोधन कर दिया जाता है और इसमें सीसी नहीं हो पा रही है। जागर वेटदाड़े से बोल रहा हूँ। हमारी गली को 2 साल हो गए ठेकेदार ने खोदी है, वो नल जल योजना के उसमें, लेकिन 2 साल से आज तक भी अभी RCC नहीं हुई है, ना उसका सुधार हुआ है। उससे समस्या क्या आ रही है अगर RCC नहीं हो रही है तो? समस्या जो है कड़ने में कीचड़ हो रही है, कड़ने में आ रही है, पर तो बैठ गई है, मतलब बना ली मेरी। हालांकि अपर कलेक्टर CV प्रसाद का कहना है कि पाइपलाइन डैमेज होने के कारण थोड़ा विलंब हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने अगले महीने से टंकी से पानी सप्लाई होने की बात भी कही। टंकी का निर्माण कराया जा रहा था, जिस वजह से गर्मी के मौसम में ग्रामीणों को पेयजल की समस्या का सामना न करना पड़े, लेकिन वो अभी तक कम्प्लीट नहीं हुई। आखिर क्या वजह है? देखिए, जिस टंकी की बात आप कर रहे हैं रामपुर के, वो टंकी निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, उसमें पानी भरा जाना है। मेरी EPHE से इस संबंध में बात हुई है, उनका ये कहना है कि जो पाइपलाइन है वो कहीं पर डैमेज हो गया है, उसको ठीक करके उनका ऐसा कहना है कि अगले महीने हम ये काम कर लेंगे। सर 2 वर्ष हो गए, 2 वर्ष से अभी तक तो कार्य पूरा नहीं। अभी तक एक बार तो इन्होंने श्योर किया है कि अगले महीने वो कर लेंगे। फिलहाल देखना होगा कि पिछले 2 साल से इंतजार कर रहे ग्रामीणों को अगले महीने नल जल योजना का लाभ मिलता है या फिर उन्हें अभी और इंतजार करना पड़ेगा।